प्रोजेक्ट है और सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट में एसआरए बहुत मान्यता रखते हैं, पहले से एसआरए बहुत करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट आज का मीटिंग था, ये शिवशास्त्री मच्छीमार नगर नंबर 5 एसआरए था गोलाबा, इसका मीटिंग था आज। और मेरे साथ मेरा पार्टनरशिप में जुड़ा है रुपेश जी, तो इट वॉज ए गुड सक्सेस मीटिंग था। और क्या पूछ रहे थे बताइए रुपेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर? आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा निष्कर्ष निकला और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अगर बागडोर किसी समझदार आदमी के हाथ में हो ना गाँव की, तो ना वो अच्छी चलती है। तो मेरे जो पार्टनर और मेरे बड़े भाई जो है छत्तीसगढ़, इनका तो महारत हासिल है इसमें सारे में, तो अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको और बेहतर करने की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोशिश करें। कितने झोपड़े हैं या क्या कुछ उसके बारे में कुछ? इसमें जगह है एक्चुअली इट्स अबाउट 17,000 स्क्वायर मीटर्स अप्रॉक्स, ओके अप्रॉक्स। और रही बात 662 टेनेंट्स है जोड़ बट्टी, इसमें पात्र अपात्र है। जो अपात्र है उनको पात्र करने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे, हम इसके लिए बहुत कुछ करेंगे इसका। और हम सोच रहे हैं ये समुद्र के किनारे टच है, तो हम सोचेंगे अच्छा क्वालिटी इनको बना के देंगे। और बस भगवान की दया है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगी। जैसे सती साहब आपने कहा कि 40 महीने उनको आपको समय चाहिए टेन से, राइट? तो वो 40 महीना क्या आज से शुरू होगा या जब से जब से हमारी LOI आएगा उस डेट से मीटर चालू होएगा? LOI आने के बाद जी। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रहा लोगों का मांग क्या रही और कैसे आप लोगों ने? देखिए हमारी ज्यादातर जो मांगे, हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लम्स और बेरोजगारी, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। और इसी को हम लोग एक दोनों भाई एक दूसरे से कंधा मिला के हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुंबई में जितने भी स्लम्स एरिया हैं उनको चिन्हित करके और उसको अच्छे से डेवलप करें। और देखिए जो मांग की बात है, तो जो जरूरी चीज़ें हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं और हमारा काम है कि सबकी तकलीफों को सुनना और उसका सोल्यूशन निकालना। तो जो भी मांग थी, जेन्युइन मांग थी, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करें। और जहाँ तक ये जो एक मुद्दा है पात्र और अपात्र की, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो जैसा बड़े भैया ने बोला कि हम लड़ जाएंगे, तो 100% लड़ जाएंगे गवर्नमेंट से, उसको कंप्लीट करके देंगे। सीआरजेड की बात की आपने सेठी साहब को, कैसे वो सीआरजेड कैसे हटेगा वहाँ के ऊपर? हटने का बात नहीं है, ऑलरेडी हट चुका है ये सीआरजेड का। अभी आज के डेट में समुद्र का किनारे जो है उसका हम लोग एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उसका परमिशंस के लिए सब डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो करके हम कर देंगे। और एक नेवी का सब लोग इशू था, नेवी का इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये 500 मीटर से दूर है। पहले से ये प्रोजेक्ट बहुत विवादित था, पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस प्रोजेक्ट पर थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मुड़ गया? बड़े बड़े आंदोलन भी हुए इसके लिए। आपको बोलना चाहता हूँ, ये तो जैसा आप बोले बड़े प्रोजेक्ट, ये बड़े प्रोजेक्ट नहीं है हमारे लिए। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा पीछे हमारी फेडरेशन कड़ी है कफ परेड, वो 33 एकड़ से 7,000 के ऊपर का टेनेंट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो है। ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 660 मेंबर्स है और जगह भी छोटा है। और आपने जैसा बोले बहुत दिन से ये हुआ था, अरे काम बहुत दिन से लटका के रहते हैं, जिस दिन उसकी टाइम एक आती है तब हमारे पास आती है, हम उस कोशिश करेंगे। इसके ऊपर भगवान की इच्छा है और मेरी मिस्टर रुपेश जी भी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको, और भगवान की मर्जी है। सेठी सर, बहुत बड़ा दिक्कत स्लम में ये आता है और वो बहुत बार नहीं चाहते हैं कि वो डेवलप्ड हो, एसआरए प्रोजेक्ट डेवलप हो, ऐसा नहीं चाहते। उसका कारण होता है मेंटेनेंस, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। मेंटेनेंस को लेकर आपने कुछ कमिटमेंट किया था, वो बताइए। हाँ जी, इसमें आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट होती है कॉर्पस फंड, वो अभी आजकल थोड़ा रूल्स चेंज हुआ है। हम लोग जितना पैसा हम लोग एसआरए में सबमिट करना पड़ता है, अब रूल्स बहुत सारे चेंजेस हो गया है, उसमें मेंटेनेंस कैसा क्या करना उन लोग उसका इश्यूज निकालते हैं। वो सब्जेक्ट अब एक मिनट में तो मैं सब समझा नहीं सकता हूँ, इट विल टेक टाइम। बट जो मैं बोला है, हम फिर भी मैं उधर भी बोल आज भी बोल रहा हूँ, हम कोशिश
यही करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी हमारी स्लम्स है, स्लम की भाई बहन लोग को अच्छा घर मिले, अच्छा क्वालिटी मिले, उनको मेहनत कम हुए और जो भी तकलीफ है वो दूर करें। थैंक यू।